हम लोग हमारी प्रमुख मांग ये है कि वनरक्षक भर्ती में जब सभी लोगों का परिणाम जारी कर दिया गया है और केवल भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही कंटिन्यू सरकार जो है अत्याचार कर रही है उनको उनका परिणाम जारी नहीं कर रही है, वो जो 700 पदों पे है तो जो विज्ञप्ति सर्वमान्य जिसको माना जाता है, जब सरकार ने अलाउंस किया है विज्ञप्ति में, जो विज्ञप्ति में दी हुई है उसके आधार पर हमारा रिजल्ट जारी करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए, अब कोर्ट के मामलों में या इस भर्ती को आने वाले आचार संहिता में उनमें लंबित करके जो लोग सिविलियन लोग हैं या उनका जिला आवंटित हो जाएगा तो उन लोगों को गृह जिले वगैरह मिल जाएंगे, हम लोगों को फिर बाहर रख दिया जाएगा। जो बंदा आज 20-20 साल 24-24 साल सर्विस करके जो लोग आ रहे हैं वो पहले ही बाहर रह के आ रहे हैं और उनके साथ फिर सरकार और हमारे साथ अन्याय कर रही है और हम लोगों को फिर से बाहर फेंकने की तैयारी कर रही है, तो ये सरकार हमारे साथ बहुत ही गलत कर रही है। और गहलोत साहब से, सीएम साहब से यही उम्मीद रहेगी कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लाए और जल्द से जल्द अधीनस्थ बोर्ड को और आदेश जारी करवाए कि जिन लोगों ने विज्ञप्ति के अनुसार जो भी फिजिकल वगैरह है, एग्जाम वगैरह क्लियर किया है और जो लोग अवेलेबल है उन लोगों को जल्द से जल्द उनका डीवी करवाया जाए और उनका रिजल्ट जारी किया जाए और उनको ज्वाइनिंग दी जाए, यही हमारी प्रमुख मांग रहेगी सर।